इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान के हमले पर जापान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने कहा है स्वीकार नहीं है। नए पीएम शिगेरू इशिबा ने हमलों की कड़ी निंदा की है। पीएम इशिबा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत भी की है। इशिबा ने कहा है कि ईरान का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नए पीएम ने यह भी कहा है कि युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हम मदद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान के हमले पर जापान की प्रतिक्रिया सामने आई है। नए पीएम शिगेरू इशिबा ने हमलों की कड़ी निंदा की है। इशिबा ने राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बातचीत के बाद कहा है कि ईरान का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान के हमले पर जापान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने कहा है स्वीकार नहीं है। नए पीएम शिगेरू इशिबा ने हमलों की कड़ी निंदा की है। पीएम इशिबा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत भी की है। इशिबा ने कहा है कि ईरान का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नए पीएम ने यह भी कहा है कि युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हम मदद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान के हमले पर जापान की प्रतिक्रिया सामने आई है। नए पीएम शिगेरू इशिबा ने हमलों की कड़ी निंदा की है। इशिबा ने राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बातचीत के बाद कहा है कि ईरान का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है।